देवघर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। देवघर में शुक्रवार के अगले सुबह अंजाम दिए गए कत्ल की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर दिया गया है। देवघर पुलिस ने हत्याकांड के महज 12 घंटे के भीतर ही साजिश में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार कर कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम कमल यादव है, जो वारदात को अंजाम देने से पहले मृतक की गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए था और कमल के इशारे पर मेघू ने शूटर को हरी झंडी दी थी। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह जसडी के माणिकपुर इलाके के सिकदार डी के रहने वाले रेवा राणा नामक एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती तफ्तीश के बाद जब मामले की पूरी छानबीन की गई तो मामला जमीन विवाद से जुड़ा सामने आया। इस मामले में कुल 13 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जसडी क्षेत्र में जमीनी विवाद था जिसमें रेवा राणा का मर्डर कर दिया गया था। इसमें एक एसआईटी टीम का हम लोगों ने गठन किया और 12 घंटे के अंदर जो इसमें मेन क्राइम एक्यूज था उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी कर ली। बेसिकली ये जमीन विवाद है, इसमें भुवनेश्वर यादव के द्वारा वो जमीन बेच दी गई थी और कोर्ट माननीय कोर्ट के द्वारा ये फैसला रेवा राणा के पक्ष के लोगों का आ गया था, जिस कारण से वो अपना काम कर रहा था उस कारण से उसका मर्डर कर दिया गया। इसमें जितने भी अभियुक्त थे, शूटर्स थे, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। जो इसका मेन प्राइम एक्यूज था कमल यादव, जो पहले भी मर्डर की सजा काट के 5 साल काट के आ चुका है, और भी इसमें जो अभियुक्त हैं वो और तेल के चोरी मामले में भी जेल जा चुके हैं। तो ये पूरा केस का हम लोगों ने उद्भेदन कर दिया गया है।